हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थॉर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इधर बीच कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। अब कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, हम ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो माई नेम। अब इसको क्या करना है, ये तो आपका डायरेक्ट है, इसको किस में बनाना है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये क्या है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज इनटू आस्क्ड आर इंक्वायर्ड ऑफ कंजक्शन इफ और वेदर इज यूज्ड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है। ठीक है, क्या है, सेट टू है, तो इसको क्या करना है, चेंज किस में किया जाएगा, आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, आर इक्वायर्ड, मतलब दोनों में आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, किसको, सेट टू को। ठीक है, सेट टू को आप किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड आर इक्वायर्ड। ठीक है, कंजक्शन इफ और वेदर इज यूज्ड। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग अपने को ये अपना देखते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, आई आस्क्ड हिम डू यू नो माय नेम। ठीक है, बी देखते हैं, आई आस्क्ड हिम इफ माय नेम वाज नोन टू हिम। सी देखते हैं, आई टोल्ड हिम वेदर ही नो माय नेम। डी देखते हैं, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। राइट क्या है इसका, डी। डी इसका सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। और एंड यहाँ पे देखिए जो कंजक्शन इफ और वेदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ और वेदर कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लिस्ट को देखिए, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंपरेटिव सेंटेंस, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंपरेटिव सेंटेंस है तो वी चेंज सेट टू, जो सेट टू है किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, ऑन बिहाफ द एक्सप्रेशन। इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड बिफोर वर्ब। ठीक है, यानी कि जो इसका इन्फिनिटिव टू है उसको लगा करके हम दोनों क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, जो सेट टू होता है, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो सेट टू की जगह हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आपके सेंटेंस के जो है कि सेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लीज दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। क्या कह रहा है कि मेरा इंतजार करिएगा वापस आने का। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे। प्लीज है, ये तो कॉमन सा है, आप तो इसको इंटर से पढ़ते आ रहे हो, इसको तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम दैट, जबकि यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है, टू को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ही अर्जेंट हिम दैट, देखिए यहाँ पे दिया है, पहले ही ये गलत है। ही रिक्वेस्टेड हिम वेदर दिया है, वेदर हमको जोड़ना नहीं है, हमको इन्फिनिटिव क्या जोड़ना है, टू जोड़ना है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है, डी। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी। क्या है कि वह कहा, क्या कहा कि आई बिगिन माई डे, जो मेरा दिन है वो किसके साथ शुरू होता है, एक कप चाय के साथ।
ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि इसका राइट क्या है। सी सेटेड सी हैड बिगेन हर डे विद अ कप ऑफ टी। सेकेंड डे देखते हैं सी सेड हो गया दैट। आई की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बिगिन से हो जाएगा, हर डे विद अ कप ऑफ टी, यानी कि राइट इसका क्या है, बी। राइट आंसर इसका बी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स डायरेक्ट फॉर्म। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय मदर सेड। देखिए ये जो माय मदर दिया है, ये माय मदर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो माय मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, ठीक है। क्या कह रही है कि उसकी माँ ने क्या कहा, माय मदर सेड मेरी माँ ने कहा आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो अब ये क्या कर रही है माँ, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो माँ यहाँ पे क्या कर रही है, फर्स्ट आपका है माय मदर वांट्स मी नॉट टू टेल टू एनीवन, बी है माय मदर वांट मी नॉट टू टेल एनीवन, सी है माय मदर वांट मी दैट आई मस्ट नॉट टू टेल एनीवन, माय मदर वांट मी दैट नॉट टू टेल एनीवन। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। मदर उसको क्या कह रही है, वार्न कर रही है, उसको चेतावनी दे रही है, ठीक है, कि कोई भी बात हो किसी से नहीं बताना चाहिए, उसकी माँ कह रही है, ठीक है। और उसकी माँ कह रही है तो अपने बच्चे से ही कह रही होगी, किसी से कह रही है, अपने बच्चे से ही कह रही ना, कि अपनी उसकी माँ क्या उसे कह रही है कि कोई भी बात किसी को नहीं बताना चाहिए। अब इसको देखते हैं, वही है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। द गिव सेंटेंसेस इज इन मॉडल बट आई डायरेक्ट फॉर्म गिव इम्परेटिव सेंटेंस सो वी शुड अप्लाई द रूल इम्परेटिव सेंटेंस। इन इम्परेटिव सेंटेंस से सेज सेड विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। जो इम्परेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसका से सेज सेड उस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेंस के रिपोर्टेड पार्ट के। तो उसमें क्या होगा, सजेस्टेड होगा, रिक्वेस्ट होगा, वार्न होगा, कमांड होगा, किसके अकॉर्डिंग, आपके सेंस के अकॉर्डिंग, कि आपका सेंस क्या है, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग होगा। एज कंजंक्शन टू, ठीक है, विल बी यूज्ड, उसका किसका यूज करेंगे, टू का करेंगे। फाइव को देखते हैं। डू नॉट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड, ठीक है। वो क्या करें, सी सेड चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन से क्या कर रही है कि नियर न जाओ, किसके नियर न जाओ, वाटर के, ठीक है, पानी के पास यानी न जाओ। ये देखिए यूपी टीजीटी 2016 में पूछा है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये वही बात है, आप देखना चाहेंगे तो एक बार देख लीजिए इसको, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन ये है, सी सजेस्टेड डैट चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर। वह क्या कर रही है, उसको क्या कह रही है, सजेस्ट कर रही है, यानी कि उसको सुझाव दे रही है कि मतलब वाटर के पास तुम मत जाना। वह उसे कह रही है, सी आस्क्ड, उसे कह रही है कि चिल्ड्रन डैट दे मे नॉट गो नियर द वाटर। सी अर्जेंट द चिल्ड्रेन, डी है द वॉन्ट द चिल्ड्रेन नॉट गो टू नियर द वॉटर। वो उसको क्या कर रही है, उसको वॉर्न कर रही है, यानी कि उसको चेतावनी दे रही है कि बच्चे जो है कि तुम कहाँ नहीं जाना, वाटर के पास तुम मत जाना, ठीक है, क्योंकि वाटर के पास जाओगे तो क्या हो सकता है, कोई कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तुम डूब भी सकते हो, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। इसलिए उसको क्या कर रही है, वॉर्न कर रही है कि तुम वाटर के पास
मत जाना। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा है। यहाँ पे बी जरा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, सॉरी बी तो है ही इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंस टू कमांड एंड रिक्वेस्ट्स द इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट द इंपरेटिव मूड इज चेंज इनटू द इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, ये जो देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंस के, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के, सो कमांड एंड रिक्वेस्ट इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी सेड प्लीज गिव मी, जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्लीज आता है तो वहां पे हम क्या कर लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस, ये क्या कह रहा है कि मुझे एक चांस दो, ही सेड वह कह रहा है कि मुझसे कह रहा है कि एक चांस दो, मतलब कि एक मुझे मौका दो ना, यही कह रहा है ना बात को। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सेड तो होगा नहीं, ये तो आप देख रहे हैं, ये बेक्ड आपको दिया रिक्वेस्टेड इफ, यहाँ पे क्या कर दिया है इफ दिया है, इफ तो यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्टेड इफ यहाँ पे दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या है, इसका क्या है बी इसका राइट आंसर है। देखिए बेक्ड का मतलब भी क्या होता है, याचना करना होता है, याचना करना होता है। अगर आप यहाँ पे करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, अगर रिक्वेस्टेड करेंगे तो यहाँ पे मी हो जाएगा, टू हो जाएगा, गिव हो जाएगा, ही अनदर चांस यही रहेगा, रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा बेग्ड देम की जगह। तो ये जो है सेंस यहाँ पे जो निकल रहा है, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, वह क्या कह रहे हैं कि उसने मुझसे उसे एक और मौका देने का अनुरोध किया। जब ये रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे तो वो बात कहेगा, और ये क्या कह रहा है, ही बेग्ड देम हिम, सॉरी यस देम टू, ठीक है, बेग्ड देम टू, ये क्या कह रहा है कि उसने उन्हें एक और मौका देने के लिए विनती की, ठीक है। तो सेंस तो एक ही आ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या बी है, बी इसका राइट आंसर है। फोर, अल्टरनेटिव कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सजेस्टेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट द करेक्ट वंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लेट्स सेल द हाउसेस, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, सेड मोहन, तो इस सेंटेंस को जब यहाँ पे ले जाएंगे मोहन सेड लेट्स सेल द हाउसेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेट्स नॉट सेड प्रिया, मोहन कह रहा है कि लेट्स सेल द हाउस, हाउस को क्या, हाउसेस को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेड प्रिया कह रही है लेट्स नॉट, ठीक है, नहीं यानी जाने दो। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इसका करेक्ट है। सजेस्ट तो हर बात में, हर ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे आस्क्ड दिया है, यहाँ पे टोल्ड दिया है, ये तो होगा नहीं, प्रपोज्ड तो होगा, सॉरी मैंने सजेस्ट बोल दिया है कि हर ऑप्शन में दिया है, हर ऑप्शन में नहीं दिया है, देख लेते हैं इसको। ये टोल्ड है, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले इसको रिजेक्ट कीजिए, ये प्रपोज्ड कर नहीं रही है, इसको भी करिए, ये सजेस्ट है, ये आस्क्ड है, अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, अब आपको इसमें चूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सजेस्टेड है, ठीक है, सजेस्टेड राइट आंसर इसका सी है, राइट आंसर इसका सी, मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट, प्रिया मना कर रही है, ठीक है, तो प्रिया वॉज अगेंस्ट इट, राइट आंसर सी है। एट क्वेश्चन को देखते हैं, यस, If I had the instruction manual, comma है, I would know what to do, comma inverted comma said the passenger indirect, ठीक है,
यहाँ पे सेड द पैसेंजर, पैसेंजर ने कहा। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, पैसेंजर सेड क्या कहा, इफ ही हैड इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहित सेड टू मोनू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर इज योर हाउस। मोहित ने मोनू से कहा कि वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चलिए देखते हैं, मोहित आस्क्ड मोनू से कहा कि वेयर वॉज योर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे योर भी तो चेंज होगा ना, योर भी तो चेंज होगा यहाँ पे। बी है, मोहित आस्क्ड मोनू वेयर योर हाउस वॉज। ये भी देखिए, मोहित आस्क्ड मोनू वेयर योर हाउस हैज बीन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोहित, ये मोहन शायद मैंने पढ़ दिया, ये मोहित है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, मोहित है ये। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वॉज, यानी कि राइट आंसर क्या है, सी। यहाँ पे जो इज है, इज को हम किस में चेंज कर देंगे, इज को हम वॉज में चेंज कर देंगे। इज किसकी किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में योर के अकॉर्डिंग हिज यहाँ पे हो गया है। ही सेड दैट ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये इसको डायरेक्ट में बनाना है। तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कुछ चेंज भी करना है, तो चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हो गया है ही सेड हो गया है, दैट दैट की जगह हम क्या कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, ही को आई कर देंगे, नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10। अब देखिए यहाँ पे ये जो द नेक्स्ट मॉर्निंग है, ठीक है, देखिएगा आप इसको ध्यान से, नीचे मैं कर देती हूँ, ये जो है द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसको आप किस में चेंज करेंगे, टुमारो में। ठीक है, द नेक्स्ट किस में चेंज हो जाएगा, टुमारो मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट किस में चेंज हो जाएगा, टुमारो मॉर्निंग में चेंज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। इन फोर ऑप्शन में देख लीजिए, टिल 10 है, इसमें चेंज नहीं करना है। अगर कोई ना मिले तो जैसे जो जो भी वर्ड चेंज करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ डैट लगाना है कि टू लगाना, आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे ना तो आप बड़े इजी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको इतना आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप उसको इतना डिटेल में पढ़ सकें, तो आप जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ध्यान में रखिए, उसको ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में बड़े इजीली बड़ी अच्छे से कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 11 क्वेश्चन को देखिए। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो वे, राम ऑर्डर अर्जुन टू गो वे, अब इसको आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, राम, ये ऑर्डर तो चेंज किया जाता है ना, जैसे अगर ये आपका सेंटेंस जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करती हैं तो सेड टू की जगह कुछ चेंज करती हैं ना, ऑर्डर टू कमांड जो भी आपके सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्डर की जगह क्या करेंगे, राम सेड टू अर्जुन। ठीक है, राम सेड टू अर्जुन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो वे हो जाएगा, टू हट जाएगा क्योंकि टू यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है, तो यहाँ पे टू हट जाएगा, गो वे हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका देखते हैं, ही सेड है, देखिए ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। तो ही सेड वह कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, आई सेल
सेल हो जाएगा, यहाँ पर उड़ की जगह क्या हो जाएगा, सेल गो एज सून एज इट। अब यहाँ देखिए ये वॉज दिया है, वॉज की जगह आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके पहले भी एक और आपका क्वेश्चन आया था जिसमें कि इज वॉज आपको चेंज करना था, तो वॉज आपकी जो है पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको आप किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है, 13 क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब इसको बताइए क्या है ये। सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए आप, यहाँ पे व्हाट दिया है, व्हाट दिया है तो ये है क्या, ये कौन सा आपका सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हुआ ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे सेड टू की जगह आपका क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, आस्क्ड मी व्हाट आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे कैन की जगह कुड हो जाएगा, डू फॉर यू की जगह मी हो जाएगा। द राइट आंसर इसका क्या है, ए है। नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, आस्क द बॉय। UPTGT का है ये, सॉरी PGT का है, 2016 का है। तो इसको देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 15 को देखते हैं, 15 को देखते हैं। ही अर्जेंट देम टू बी क्वाइट द एंड लिसन। फिर से इसको देखते हैं एक बार, ही अर्जेंट देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम वर्ड्स। ठीक है, MPSC TGT 2018 में पूछा है, तो इसको देख लीजिए। देखिए यस, इसको जरा एक बार देख लेते हैं, इसको किस में बनाना है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है अर्जेंट है देम, तो ही सेट हो जाएगा बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। राइट आंसर इसका क्या है, डी, डी इसका राइट आंसर है। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेट टू देम विल यू लिसन टू सच अ मैन। यहाँ पे देखिए विल दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, विल दिया है, और यहाँ पे क्या किया है, सेट टू किया है। अब आपको इसको ध्यान में रखिएगा, अब आंसर इसको यहाँ पे देना है, तो देखते हैं। ही आस्क्ड देम टू लिसन टू सच अ मैन, ऑप्शन बी दिया है, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। राइट आंसर इसका बी है, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 17 को देखते हैं। ही आस्क्ड आई विल अराइव एट 7 PM टूडे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, टूडे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, टूडे दिया है। ही सेड दिया है, ही सेड दिया है तो उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, दैट कर देंगे। यहाँ पे आई दिया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करते हैं। अराइव एट 7 PM, अब यहाँ पे टूडे है, टूडे को आप किस में चेंज करेंगे, दैट डे में, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है, सी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ही सेड दैट तो दिया है, बट यहाँ पे आई ही है, आई जबकि यहाँ पे चेंज होगा, जबकि यहाँ पे विल की जगह वॉज नहीं होगा। विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करते हैं, सेड को शुड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग यहीं पे है। बी को देखते हैं, ही सेड दैट ही है, यहाँ पे वुड है, अराइव एट टूडे दिया है, यहाँ पे टूडे ही, यही टूडे यहाँ पे दे दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट डे होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एलिस सेड हाउ क्लीबर आई एम। अब ये देख रहे हैं ना, ये आप ये ध्यान देखिए, ये चिन्ह देखिएगा, ये चिन्ह देख रहे हैं ना, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये फ्रेंड्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि यस गिव ए सेंटेंस द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाइल वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिएगा और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड को किस में चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय डिलाइट सॉरो ग्रीफ इट इज सी अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ सेंटेंस। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये चिन्ह आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो एलिस एक्सक्लेमेड दैट आई, ठीक है, आई की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एलिस क्या है, ठीक है, एलिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम को हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज में कर देंगे। यहाँ पे हाउ को किस में चेंज कर देंगे, वेरी में क्लीपर, ठीक है, वेरी क्लीपर। हाउ किस में चेंज हो जाएगा, वेरी क्लीपर में। अब चलिए फर्स्ट देखते हैं, सी एक्सक्लेम्ड दैट मॉड्स, इसका कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये कोई इसका है ही नहीं। ये सेड दैट, यहाँ पे जबकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड लगाना है, ठीक है, सेड की जगह पे, तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर हम सी की बात करें तो ये हमने देखा है, अगर यहाँ पे अगर हम डी की बात करें तो डी यहाँ पे भी राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिस दे दिया है, यहाँ पे आई दे दिया है, सेंटेंस ही ये गलत है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है, सी है। वेयर हैव यू बीन, माई टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, तो अब देखते हैं, माई टीचर आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर हैव यू बीन, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, माई टीचर wants to know where I have gone, B देखते हैं my teacher wants to know when I went, C देखते हैं my teacher asked me where I would go, D देखते हैं my teacher, ठीक है, asked me where I had been, have been की जगह क्या हो जाएगा, had been हो जाएगा, ठीक है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग, डॉक्टर पेशेंट से क्या कह रहे हैं कि क्या तुम ईट एनी थिंग्स दिस मॉर्निंग में एनी थिंग्स खाते हो, ठीक है, तो अब इसको चलिए देखते हैं क्या करना है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट वेदर ही हैज ईटन एनी थिंग्स डैट मॉर्निंग। ये दिज जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा, दैट में, ये आपका मॉर्निंग हो गया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे डिड दिया है, ठीक है, डिड दिया है, आप किसको चेंज करेंगे, हैड में, क्योंकि जो आपका पास्ट इंडिफिनिट होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर सी है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।